पर एक अकेले अकेले वीडियो शूट करते करते मेरा पूरा हाथ चल गया, यहाँ पे तेल पूरा हो गया। चलो कोई बात नहीं, अभी होता है जो प्यार हम लोग जो स्पेशल कीमा बनाते हैं उसके अंदर हम बटाना कभी कभी नहीं डालते हैं, तो आज बटाना नहीं, अच्छे प्याज और बटाटे जाएंगे, आलू जाएगा मीन्स अच्छा ऑनियन और आलू भी जाएगा, तो कैसा होगा मैं आपको आगे बताती हूँ। और ये तीन चीज अब्बा तुम्हारा फेवरेट प्याज वाला सालन। ठीक हूँ एवरीवन, कैसा आप सब, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हो गए। तो हो गई है नेक्स्ट डे, तो मम्मी बोल रहे क्यों ना आज तू एक काम कर, तू बना दे खाना बिकॉज उनको कहीं जाना है। तो मैं अभी बना रही हूँ खीमा और खिचड़ी। तो ये खिचड़ी के लिए देखो, तेल गरम करके प्याज जीरा और तेज पत्ता जो है और करी पत्ता वो डाल के रायता में रख देंगे। और ये हमारी तुअर की दाल और चावल, इसको वॉश करके हम इसमें डाल देंगे और हल्दी डालकर तीन सीटी लगा देंगे, हल्दी और पानी डालकर। और एक खीमे के लिए तैयारी करी है, फिर इसके अंदर दही, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, कसूरी मेथी, करी पत्ता, अच्छे गरम मसाले, जीरा, काली मिर्ची पाउडर, हल्दी। और यहाँ पे अच्छे प्याज डालने वाले हैं हम, वो अच्छे प्याज, आलू और चॉप्ड प्याज। और ये खीमा वॉश करा हुआ, तो अभी ये सब करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। ये लाल हो चुका है हल्का सा, अभी इसमें चावल है डाल देंगे, पानी डाल देंगे थोड़ा सा, एक गिलास चीज, अभी इसको नमक और हल्दी डालकर तीन सीटी लगा देंगे। हल्दी डालना है डालो, नहीं डालना नहीं डालो, तुम्हारे ऊपर ऑप्शन है। तो मेरे ऊपर शायद से हल्दी वाला नहीं खाएगा तो मेरे को चिल्लाएगी, इसके लिए सिर्फ नमक डाल रही हूँ मैं। इसका गैस बंद करके इसको हम लगा देंगे। हमारी खिचड़ी बनने के लिए तैयार। और अभी खीमे के लिए हम दूसरा कुकर ले लेंगे, अंदर हमारा वॉश खीमा, जो खीमा हमने दो तरह के वो डाल देंगे, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, दही लेंगे तो टमाटर कम लेंगे, हमने एक ही टमाटर लिया है। और जितने ये पाउडर मसाले हैं ना वो सब डाल देंगे, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, नमक, काली मिर्ची पाउडर, हल्दी, ये सब डाल के हम अच्छे से इसको मैरिनेट करने रख देंगे, तो थोड़ा टेस्ट अच्छा आएगा। ठीक है, ये टमाटर भी हम डाल देंगे, तो इस तरीके से मैरिनेट कर देंगे। इस तरीके से मैरिनेट हो गया, अब इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल, थोड़ा डालना है। हमारा तेल गरम हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला, जीरा और प्याज। तो पहले प्याज डाल देंगे हम, हमारा प्याज और गरम मसाला और जीरा डाल देंगे। देखो तो इसके हिसाब से वीडियो शूट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, पर अभी जैसे जैसे बनता है वैसे वैसे आपको बनाती हूँ रेसिपी। एक सीटी हो चुकी है तो मैंने गैस बंद कर दी हूँ, और अभी ये प्याज भी हमारा थोड़ा लाल हो गया, पर एक अकेले अकेले वीडियो शूट करते करते मेरा पूरा हाथ चल गया, यहाँ पे तेल पूरा हो गया। चलो कोई बात नहीं, अभी होता रहता है। तो ये देखिए प्याज हल्की सी लाइट पिंकिश पे हो गई है, उसके बाद जो हमने ये मैरिनेटेड खीमा रखे है वो डाल देंगे इसके अंदर हम, देखो इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके से, मिक्स करना है इसको। इसी के अंदर एक कसूरी मेथी और कड़ी पत्ता ये डाल देंगे ताकि अच्छी बोल सके, आप अच्छी मेथी भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने नहीं, इससे इसको मिक्स करते तो उसके बाद मिल जाते। तो ये हमारा खीमा मिक्स हो चुका है, अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, एक आधा कप जितना डाल के इसको हम तीन सीटी लगा देंगे इसके अंदर, और फिर मिलते बाद में इसको तीन सीटी लगा दूँ पहले। कुकर बंद कर दी, ये ठंडा होने के लिए रह गया है फास्ट गैस पे, इसको हम फास्ट गैस पे तीन सीटी बजा देंगे, बिकॉज ये मटन खीमा है तो इसको तीन सीटी लगानी ज़रूरी है, और चिकन खीमा हो तो एक सीटी लगा लेंगे तो भी चलेगा, पर हम लोग जो प्यार हम लोग जो स्पेशल खीमा बनाते हैं उसके अंदर हम बटाना कभी कभी नहीं डालते हैं, तो आज बटाना नहीं, अच्छे प्याज और बटाटे जाएंगे, आलू जाएगा मीन्स
अच्छा ऑनियन और आलू भी जाएगा, तो कैसा होगा मैं आपको आगे बताती हूँ। और ये तीन सीटी के अंदर जब तक के मसाले अच्छे से भून जाएंगे और तेल ऊपर आ जाएगा, इसके लिए हम मिलते हैं बाद। सो गाइस, हमारी ये तीन सीटी हो चुकी है, तो कुकर ठंडा हो जाता है। ये देखो तीन सीटी हो चुकी है, बट ये ठंडा करने रखती हूँ, ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं खोलती हूँ, तो आप लोग को बताती हूँ कि कैसा है कैसा नहीं। ठीक है, मसाला बराबर भूनना है क्या नहीं खोल लेते हैं, देख लेते हैं हमारा सालन कैसा बना है कैसा नहीं। माशाल्लाह से कैसा कलर आया है। अभी इस बेस पे हम उसको करेंगे, ये जो हमारे प्याज और आलू है इसको डाल देंगे हम इसमें। मिक्स कर देंगे, इसको मिक्स करने के बाद हम आधा ग्लास पानी डाल देंगे, क्योंकि हमारा मसाला अच्छे से भून गया है। इसको ऐसा करके कोथमीर डाल देंगे, सीटी और लगा देंगे ताकि हमारा जो प्याज है और जो आलू है वो अच्छे से गल जाए। और एक सीटी लगाने के बाद हम यानी कुकर खोलेंगे और हमारा खिचड़ी के साथ एंजॉय करेंगे। तो हम लोग प्याज अखी डालते हैं क्योंकि पसंद है मुझे भी, मेरे डैडी को भी। और अगर आपको प्याज नहीं डालना है तो आप प्याज स्किप करके वटाना डाल सकते हैं, जो ग्रीन पीस आता है वो। इसको हम सीटी लगा लेते हैं पहले, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। सीटी लगा देते उसके बाद मिलते हैं। सो गाइस, डैडी भी आ चुके हैं और हमारा सालन भी तैयार हो गया। अच्छा हुआ एक सीटी पहले ही बज गई, तो डैडी फिर से गुस्सा हो जाते हैं। तो अभी ये देखो ये सालन हम खोलते हैं। यहाँ पे डैडी, अब्बा कैसे हो? अच्छा हो। आज मम्मी लंच के टाइम पे नहीं है, ठंडा कर लेते पहले कुकर, फिर खोलते हो बाहर। सो गाइस, हम सालन खोलते हैं। इस तरीके से हमारा सालन बनता है। प्याज भी अच्छे से गल गई है, देख सकते हैं। इसको हम खाना एंजॉय करेंगे। अब्बा तुम्हारा फेवरेट प्याज वाला सालन कैसे? वेरी गुड, मजा आ जाएंगे आज तो। और खिचड़ी खोलो, खिचड़ी खोले नहीं? नहीं माँ, क्यों? वो ढक्कन खोले नहीं आज। अच्छा ठीक है, तो अभी खिचड़ी भी खोल देती हूँ। ये हमारी खिचड़ी, ये सालन। तो अभी हम लोग खाना एंजॉय करते हैं और मैं वीडियो यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।